हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स। मेरा नाम है रियाज खान एंड वी आर बैक विद न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है बोल्डेनोन। तो गाइस, बोल्डेनोन बहुत ही मतलब इस वक्त तो मेरा इनबॉक्स पर काफ़ी सारे मैसेज आ रखे थे कि बोल्डेनोन पे बनाओ, बोल्डेनोन पे बनाओ। तो ये रहा आपका वीडियो बोल्डेनोन के ऊपर। आज हम बात करेंगे बोल्डेनोन क्या है, कैसे काम करता है, क्या इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या है इसके पीछे के सीक्रेट्स जो अभी तक लोगों को पता नहीं चले। तो आप सब कुछ आपके सामने क्लियर करेंगे कि क्या है बोल्डेनोन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो गाइस, बोल्डेनोन के जन्म से शुरू करते हैं। 1950s से 1960s के बीच में आया हुआ स्टीरॉयड है। 1970s में मार्केट से बाहर भी निकाल दिया गया था, यानी कि ऑब्वियसली FDA ने इसको डिसअप्रूव कर दिया था फॉर मेडिकल यूज़। उसके बाद इस स्टीरॉयड का इस्तेमाल करने जाने लगा घोड़ों के ऊपर। घोड़ों के अंदर इसको इंजेक्ट किया जाता था इसके की मसल मास रिटेनिंग कैपेबिलिटीज़ की वजह से। और ये घोड़ों के अंदर जो है एंड्यूरेंस और स्पीड को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता था, इस वजह से उनको घोड़ों के ऊपर इस्तेमाल करने लगे। फिर इसको आपको पता ही है, बॉडी बिल्डर ने भी लगा लिया। तो अब उनके ऊपर क्या इसके इफेक्ट हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, सबके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं बोल्डेनोन के पीछे की साइंस, ये है क्या एक्चुअल में। और बिलीव मी, अगर आप पहले से स्टीरॉयड यूज़ कर चुके हैं तो आप बोल्डेनोन पहले एक बार और यूज़ कर चुके हैं। आपको कैसे अभी आपको पता चले। सो गाइस, बोल्डेनोन इसके केमिकल स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर इस एक कार्बन एटम के ऊपर डबल बॉन्ड है। अब ज़रा गैस करिए, ऐसा कौन सा और स्टीरॉयड है जिसके आगे डबल बॉन्ड है। अगर आपने मेरे सारे वीडियोज़ देखे हैं तो आपको पता चलेगा कि डबल बॉन्ड मेरी किसी और स्टीरॉयड में ही बताया है मैंने। तो गाइस, वो है डायनोबॉल। डायनोबॉल के ऊपर भी डबल बॉन्ड होता है, यानी कि केमिकली ये दोनों स्टीरॉयड सेम है। इसमें सिर्फ डिफरेंट यह है कि इसके अंदर एक मिथाइल ग्रुप ऐड किया गया है डायनोबॉल के अंदर और इसके अंदर नहीं। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो बोल्डेनोन हुई डायनोबॉल। बड़ी शॉकिंग सी बात है, मगर हम आगे क्लियर करेंगे कि डायनोबॉल से अलग कैसे है और इन दोनों का अलग अलग इस्तेमाल फिर क्यों किया जाता है। तो बात करते हैं इसके कुछ फ़ायदों के ऊपर। सो गाइज, एक नॉर्मल जो भी आप स्टेरॉइड यूज़ करते हैं उसकी तरह बोल्डेनोन भी आपके प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज़ करेगा, IGF-1 को प्रमोट करेगा, आपकी भूख बढ़ाएगा। मगर भूख सभी की नहीं बढ़ती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। उसके अलावा रेड ब्लड काउंट में भी थोड़ा सा ही चेंज लाता है, बहुत ज़्यादा नहीं लाता है और अदर स्टेरॉइड्स की तरह। ये बहुत कंट्रोल्ड वे में आपके RBC को बढ़ाता है, और जो स्टेरॉइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाइप दे देते हैं RBC को, तो इसके साथ वो नहीं होता है। अब ये स्टैकेबल है हर स्टेरॉइड के साथ, आप इसको किसी भी और अदर स्टेरॉइड के साथ स्टैक कर सकते हैं। और इसको यूज़ करने के बाद स्ट्रेंथ और एंड्यूरेंस दोनों में बहुत फ़र्क पड़ता है। यानी आप फील करेंगे कि आपके पास स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है और आप बहुत ज़्यादा देर तक वर्कआउट कर पा रहे हैं बिना थके। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है बोल्डेनोन का। इसीलिए जो पावर लिफ्टर्स होते हैं या फिर क्रॉसफिट वाले जो एथलीट्स होते हैं वो बोल्डेनोन का यूज़ करते हैं, क्योंकि उनसे और इस स्टीरॉयड की एक अमेजिंग कैपेबिलिटी है मसल रिटेंशन, जिसकी वजह से इस स्टीरॉयड को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है वो यही है, मसल रिटेंशन। कई जब बात करते हैं कि बोल्डेनोन को यूज़ करने का सही फेज क्या है, बल्किंग या कटिंग, तो उससे पहले समझ लेते हैं कि इसकी हाफ लाइफ क्या है। इसको बाइंड किया गया है अंडरसेलेनेट एस्टर के साथ। इस एस्टर की खासियत ये है कि ये 1 महीने तक आपकी बॉडी में सर्वाइव कर सकता है, यानी कि बहुत ही लॉन्ग एस्टर है। हाफ डे हाफ लाइफ जो है इसकी वो जो है 14 से 15 दिन की है। तो उसके बाद 21 से 25 दिनों तक इसका जो है ट्रेसेस देखे गए हैं। तो हम मोटा मोटी लेके चल लेते हैं कि 1 महीने तक का इसका ट्रेस पीरियड होता ही होता है। तो इतने बड़े एस्टर के साथ बल्किंग फेज वैसे भी बहुत लंबा होता है, इसलिए बल्किंग में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। कटिंग का फेस हमारा जो है बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम कटिंग करते हैं, तो उसमें कुछ ही दिनों के लिए हम बोल्डेनोन को रखते हैं, उसके बाद इसको हटा देते हैं। 12 से 14 हफ्ते तक आप अपनी साइकिल में रख सकते हैं। अगर आप कटिंग कर रहे हैं स्टार्टिंग में ही हैं तो इसके एस्टर के हिसाब से आप इसको जो है शुरू के कुछ 4 हफ्तों तक इसको अपनी साइकिल में रख सकते हैं, उससे आपको कटिंग में भी मसल रिटेंशन बहुत अच्छा मिलेगा। तो गाइस, साइड इफ़ेक्ट्स, बोल्डेनोन से क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं हमें, स्किन फेजेस पे साइड इफ़ेक्ट्स दे सकता है, उनको हम 4 पार्टों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल पे हमें क्या साइड इफ़ेक्ट्स दे सकता है। अगर आपने बोल्डेनोन इंजेक्ट किया तो टेस्टोस्टेरोन लेवल शट डाउन हो जाएंगे आपके। सॉल्यूशन ऑन साइकिल तो ये है कि आप टेस्टोस्टेरोन को बाहर से इंजेक्ट कर लें, तो इसलिए इसको स्टैक किया जाता है और अलग स्टेरॉइड्स के साथ, और उनके बेस में टेस्टोस्टेरोन को रखा जाता है। तो अगर आप बोल्डेनोन चलाने की सोच रहे हैं तो टेस्टोस्टेरोन बेस में ज़रूर रखें। उसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर लेवल पे हमें क्या साइड इफ़ेक्ट दे सकता है, क्योंकि ये भी अदर स्टेरॉइड्स की तरह कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है, वो भी बैड कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा बढ़ाता है। इस वजह से आपको
कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होनी चाहिए डाइट में, उसके अलावा बाहर से भी आप कुछ चीज़ें ले सकते हैं। डाइट के ऊपर बहुत जल्दी वीडियो देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चाहिए होता है ऑन साइकिल। उसके बाद बात करते हैं इसके एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स, एस्ट्रोजन लेवल पे आपको क्या साइड इफेक्ट्स दे सकता है। इसका एस्ट्रोजन कन्वर्जन रेट 50% है टेस्टोस्टेरोन से, यानी कि अभी पॉसिबल साइड इफेक्ट्स होते हैं, गाइनो हो सकता है इसको यूज़ करने के ऊपर, ब्लड प्रेशर के अंदर चेंज आता है, और आपका वाटर रिटेंशन हो सकता है इसके ऊपर, क्योंकि एस्ट्रोजन का इसका कन्वर्जन रेट 50% है। एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स क्या आ सकते हैं इसके, एक्ने होना, हेयर लॉस, प्यूबिक एरियाज पे हेयर ग्रोथ होना, और उसके अलावा डीएचटी लेवल्स के साथ प्ले करना, डीएचटी लेवल्स को ये रेस कर सकता है जिसकी वजह से एक्ने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। एक्ने का सलूशन हमने पहले ही दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक वीडियो है, जाके देख सकते हैं और चैनल पे जाकर भी देख सकते हैं, सारे वीडियोस पहले से ही अवेलेबल हैं। सो गाइस, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, डोजिंग्स। लोग अक्सर मुझसे बोलते हैं कि आप डोजिंग्स नहीं बताते। तो गाइस, डोजिंग का क्या चक्कर होता है कि आप जो हैं डोजिंग्स को खुद मेजर कर सकते हैं, कोई भी इंसान, यानी कि अब जो पे जिम का ट्रेनर है वो भी नहीं बता सकता है कि आपको कितना डोज लेना है इसका। तो वो डोज कैसे डिसाइड की जाती है, उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, इतनी जल्दी वो वीडियो मैं अपलोड करूँगा जिसमें आपको हर स्टेरॉइड की डोजिंग का पता चल जाएगा। उससे आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में स्टेरॉइड की डोजिंग कैसे मैनेज की जाती है। तो उसके बाद आपको डोजिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा। सो गाइस, ये था वीडियो बोल्डेनोन के ऊपर। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द एप्लीकेशन ऑल्सो, बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। थैंक यू वेरी मच गाइस।